और जेडीयू की दोस्ती अग्निपथ से गुजर रही है। अग्निपथ योजना पर भड़की आग इसकी वजह बनी है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने खुले तौर पर जेडीयू के दो बड़े नेताओं को इसका जिम्मेदार बताया। अग्निपथ पर बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती, सत्ता के सहयोगी दलों में वार पलटवार। ललन बाबू के ट्वीट से और उपेंद्र कुशवाहा जी के बयान से जला है बिहार। सुना आपने, सियासी विरोध नहीं, खुद बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अग्निपथ योजना पर बिहार में भड़की आग के लिए सहयोगी जेडीयू के दो बड़े नेताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रशासन में ढीलापन आ गया, प्रशासन से चूक हुई है, प्रशासन के रहते हुए कार्यालय को जलाया गया है, बीजेपी के कार्यालय को, इसलिए अब प्रशासन टाइट हुआ है। देखिए, दो दिन से पत्ता नहीं लड़ा है, जेडीयू के व्यक्ति की वजह से हुआ है, जेडीयू की वजह से नहीं। कौन कौन व्यक्ति? व्यक्ति तो आपको पहले कहे, माननीय ललन बाबू, माननीय उपेंद्र बाबू। उनका यह बयान जेडीयू को आग बबूला करने के लिए काफी है। देखिए, वो बोलते रहते हैं, बिना मुद्दा के भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन यदि पार्टी को हमारा बोलना होगा तो पूछ कर बोलेंगे हम लोग। भाजपा से बोलना होगा, उचित बातें हमें कुछ कहना होगा तो हम अपनी बात रखेंगे और हमें कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। सत्ता में सहयोगी दलों में खींची तलवार ने विपक्ष को बैठे बैठाए मौका दे दिया है। हरिभूषण सिंह बचौल जी आज सुरक्षा कवच में चल रहे हैं, हिम्मत है तो जनता के बीच में जाके देखे ना जो आक्रोश कितना है। और बिहार में माना कि जेडीयू ने भड़काया, नीतीश कुमार जी ने भड़काया, ललन सिंह ने भड़काया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने भड़काया। उत्तर प्रदेश में तो उनकी सरकार है, तो वहाँ के मंत्री, वहाँ के MLA क्यों नहीं निकल पा रहे हैं अपने क्षेत्र में? आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने ही वोटर से पीटे जा रहे हैं। वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर कह दिया, उनके ही LI है ना, राजपाट उन्हीं का ना है, तो तलाक कहने देते हैं? तलाक देना चाहिए, चाहे ई दे दें तलाक उसको, चाहे वो दे दें तलाक। अग्निपथ के विरोध में बिहार जिस तरह जला, उसमें यह जरूरी था कि गुनहगारों को दंडित किया जाए, लेकिन विडंबना है कि सत्ता के साझेदार खुद अग्निपथ पर चल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बेतिया से संजय जायसवाल के घर पर ही हमला।